फ्रेंड्स सभी को मेरा नमस्कार। हम मूंगफली बेसन में फ्राई करने चल रहे हैं। ये मूंगफली हमने लिया है और ये बेसन है। मूंगफली को अच्छी तरीके से हम धुल लेते हैं। इसको हम पहले धुल लेते हैं। मूंगफली हमने धुल लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा मिलाएंगे हल्दी और ये मिला रहे हैं मिर्चा पाउडर। हम इसमें बेसन मिलाएंगे। इसमें नमक मिलाने चाहेंगे। इसको इस तरह से मिलाएंगे ताकि इसमें चिपक जाए मूंगफली में धुले हुए थे। इसको हम इस तरह से मिला रहे हैं आराम से। ये देखिए मूंगफली में बेसन चिपक गया है। अब इसको हम फ्राई करने चल रहे हैं। ये हमारा तैयार है मूंगफली। अब इसको हम तेल में डालेंगे। ये देखिए हमारा मूंगफली इस तरह हुआ है। एक एक मूंगफली है, ज़्यादा हम पानी नहीं मिलाए थे इसमें। इसको हम फ्राई करने चल रहे हैं। तेल हमारा गर्म हो रहा है। थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं, गर्म तेल में डालना है, अभी ठंडा है। तेल गर्म है हमारा। अब हम इसमें डाल रहे हैं ऐसे ऐसे करके एक एक ताकि चिपके ना। ये हमारा मसालेदार मूंगफली बन रहा है। देख लीजिए इस तरह से ये बन रहा है। थोड़ा इसको हम ब्राउन होने देंगे तब निकालेंगे। ये बहुत टेस्टी होता है। चाय से आप चाहे जब खा सकते हैं। ये बना के स्टोर भी रख सकते हैं 10-15 दिन के लिए आप। ये हमारा मूंगफली जो है फ्राई हो गया बेसन में। देख लीजिए इस तरह से फ्राई हुआ है। अभी हम और बनाने चल रहे हैं। ये फ्रेंड्स हमारी मसाला मूंगफली बन के तैयार है। देख लीजिए इस तरह बन के रेडी हुई है खिली खिली। ये चाय के साथ बहुत टेस्टी हो आती है। और मेरा तरीका पसंद आया फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करिए प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद।